magazine. So this is our wall magazine, which we are going to inaugurate today. This will be our first issue. The name of the wall magazine, Ravi. Ravi, this is our Ravayat Sharma. This is our Ravi, that means narrator. So this is the name of our magazine. We will publish it monthly. You will have your columns, students will write, teachers can also write for it. Every month we will have a different team of editorial. Best work hoga pure saal ka. Usko hum log koshish karenge ki we will try to publish in a magazine. जो हाई स्कूल में गर्ल्स हाई स्कूल में भी हैं, वहाँ से रिटायर की हैं,
इंग्लैंड के अंदर में काफ़ी इन्होंने रिया का नाम रोशन किया, बहुत कुछ अच्छी भी है और यहाँ रेणु जी इसी के लिए ईसा प्रसाद यहीं से निकले, क्लास से लिखती लिखती है, क्लास में कंपोज करता है स्टूडेंट को, बाद में स्टूडेंट को छिपा हो रहा था, टीचर भी नहीं जानते उसको, लेकिन उसे जब मौका मिलेगा वो सामने आएगा वो लाइक और आगे चल करके बहुत बड़ा कहानीकार बन जाएगा। यहाँ एक लड़का बगल में है नीरज पासवान बगल में है, वो एक बार एक लीडर का तस्वीर नहीं मिल जमाने में तस्वीर नहीं मिलती थी और डीएम साहब परेशान थे उसको कहीं हासिल की जाए, छोटी की तस्वीर मिली किताब में और उसका इलाज करके कर वो आर्ट बना दिया और तुरंत बना दिया, बना वर्गा दे दिया तो वो हम लगाया, वो लड़का कहानीकार बन गया, कहानी लिख रहा है। तो आपको मौका दिया है स्कूल ने, ये अपॉर्चुनिटी मिला है इसको, सभी स्टूडेंट को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहिएगा आप तो हमेशा आपका अगला कदम जो होगा बेटर हो जाएगा और आपको डिस्ट्रिक्ट पोजिशन में पहुँच जाना है। हम अल्लाह तला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तला इससे कार्य खैर को, ये बहुत बड़ा कार्य खैर अपने फैलाव को दूसरों तक पहुँचाने का एक बहुत बेहतरीन खामोश जरिया है, उसको ऐलान नहीं करना पड़ता। किताब पढ़ने अच्छी किताब पढ़ने से अच्छी सोच बनती है, अच्छे ख्याल बनते हैं, अच्छा कैरेक्टर बनता है और अच्छे साथियों के दरमियान रहने से इंसान के अंदर अच्छाई पैदा होती है। गंदे सोसाइटी में गंदे बच्चों के साथ रहने से इंसान के ख्याल भी गंदे हो जाते हैं, उसका सब काम गंदा हो जाता है। आपको हम लोगों को अल्लाह तला ने एक अच्छी सोसाइटी अदा किया, ये मनार ये खुद ही एक सोसाइटी है, आप सभी एक्टिविटीज़ आप देखते रहते हैं, आप इमेजिन कीजिएगा सोसाइटी का एक पूरा यहाँ नमूना आपके सामने हमेशा रहता है, दिन भर की जो एक्टिविटीज होती है ये आपको सर घुमाती रहती है, आपके लेंस को कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करती है ताकि बच्चे हमारे, वही बच्चा जब आएगा अभी एक लड़का आया बोला कि हम अलीगढ़ में हम पढ़ते हैं, अभी यहाँ से निकल गए, अब यहाँ से वो चला गया है लेकिन यहीं का नाम वहाँ अलीगढ़ में पूछता हो कहाँ से आए हो, अलीगढ़ में पूछते कहाँ से आओ, यहाँ से आप जाइएगा जामिया अलीगढ़ भी जाइएगा कहीं भी जाइएगा तो ये कहाँ से आए, तो बड़ा जो ऐसा स्कूल है जो कि देखना चाहिए, तो तुम्हारे को आपके जरिया उसका नाम हो, खूब अच्छा पढ़ लेने से, खूब अच्छा खा लेने से, खूब अच्छी गाड़ी पर चढ़ने से इंसान का नाम नहीं होता है, बहुत ज़रूरी है, स्मार्टनेस अच्छा है लेकिन फोकस उसी पर करेंगे खाली नहीं होगा, अच्छा कैरेक्टर अच्छी सलाहियत बनाने से और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा, तो ये जो है अदब का शोभा जो है ये तो इनकलाब बनाता है, कर्म जो मामूली चीज़ नहीं है, इसके जरिया पूरी इनकलाब पैदा ही होता है, नहीं लिटरेचर के जरिया हम यहाँ आप देखेंगे ना नेशनल वॉक फ्रम जो है आज़ादी के टाइम का अपने रवि का जो है कितना लोगों को मोटिवेट कर देता है, जो सुबह हुआ अभी वह भी देश के लिए कुर्बान करने के लिए दौड़ पड़ता है मैदान में, तो वही किसी शायर का किसी कवि का जो कलाम है ना जाके वो उसको मोटिवेट करता है वो मैदान में निकल जाता है, लिखने वाला तो चला लमह अकबाल चले गए, शेक्सपियर चले गए और हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी भी चले गए लेकिन कुछ दे के गए हैं ना, रेणु भी चले गए कुछ दे के गए, आपको भी दे के जाना हमेशा कमिंग जनरेशन के लिए काम करना, हम लोग अभी कमिंग जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, एक जनरेशन और एक बैच आने वाला है छिपा हुआ है, इतना ही होगा आफ्टर 50 ईयर्स 100 ईयर्स हम लोग कोई नहीं होंगे, यहाँ तो होगा कोई अल्लाह तला बाकी रखेगा, वो जनरेशन कहाँ उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, दुनिया को सजा रहे हैं, जैसा सजा के जाएंगे उसको ऐसा मिलेगा, ये भी दिमाग में रखना कि अपने अगले के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह तला से दुआ है अल्लाह तला उसका खैर को भूल फरमाए, इसका पता करे और जो कोताही कमी है उसको अल्लाह तला माफ़ करवा दे, माफ़ करवा दे।